संजय लीला भंसाली को पड़ गई है डांट। यस, बाजीराव मस्तानी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को डांटा है बाजीराव की रिलेटिव मोहिनी करखरे ने। उनके परिवार की सदस्य मोहिनी खड़ी हुई हैं इस बात के खिलाफ कि जिस तरह से बाजीराव मस्तानी और उनकी जिंदगी को पोर्ट्रे किया जा रहा है इस फिल्म में, वो बिल्कुल ठीक नहीं। उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है जिसमें मोहिनी ने साफ किया है कि जिस तरह से संजय लीला भंसाली अब तक फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि उन्होंने फिल्म बनाने से पहले बाजीराव मस्तानी की जिंदगी के बारे में रिसर्च नहीं की। मोहिनी ने कई सारे ऐसे फैक्ट्स संजय लीला भंसाली को चिट्ठी में लिखे हैं जो ये बताते हैं कि उस दौर में न गाने होते थे, न डांस, न इस तरह की कॉस्ट्यूम्स जो काशीबाई और मस्तानी पहने हुए दिख रहे हैं लेटेस्ट सॉन्ग रिलीज फ्रॉम द फिल्म पिंगा में। इसके अलावा भी जिस तरह से इस पूरी कहानी को ट्रेलर में पोर्ट्रे किया जा रहा है वो बिल्कुल अलग है उस हकीकत से जो बाजीराव मस्तानी की जिंदगी से जुड़ी हुई है। अगर वाकई संजय लीला भंसाली इस पर रिसर्च करना चाहते हैं तो उन्हें पेशवा राज्य पर लिखी गई किताबें पढ़नी चाहिए और पेशवा दफ्तर में जाके इसकी जानकारी लेनी चाहिए, तब उन्हें पूरी नॉलेज मिल सकती है। मोहिनी ने लिखा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद दूसरे सबसे बड़े मराठा वॉरियर बाजीराव मस्तानी हुए हैं और अगर उन्हें इस तरह से पोर्ट्रे किया जाएगा तो ये एक बिल्कुल मिसकम्युनिकेशन होगा अबाउट हिज इमेज जिसे बहुत ही बुरे तरीके से पेश किया जा रहा है। मोहिनी ने साफ किया कि वो पहले रिसर्च करें और उसके बाद आने वाली जनरेशन को इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे। अब तक संजय लीला भंसाली ने इस पर रिएक्ट नहीं किया है, पर कमाल की बात है कि फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले ये सब बातें आई हैं, तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं।